किया है जहाँ से हम लोग वैन और गाड़ी को नीचे ला सकते हैं। टाउन की हालत देखो, टाउन है ना बिल्कुल अबेंडेंट हो चुका है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं हूँ कैलिफोर्निया में और आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी स्लैब सिटी की, तो अभी मैं फिलहाल हूँ स्लैब सिटी के पास में। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से बॉम्बे बीच पे। तो वो एरिया है जहाँ पे मैं सो रहा था, उधर लोगों के घर थे और ये इनके खेत है यहाँ पर। तो इस एरिया के आप चारों तरफ देखोगे ना तो खेत ही खेत है। तो ये एरिया है, यहाँ देखो कितनी सारी गायें खड़ी हैं। अगर ये खुला होता तो हम लोग अंदर जाते हैं, बट बंद है। ये एरिया ना बड़ा जबरदस्त लग रहा है, चारों तरफ माउंटेन है, बीच में यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, तो एकदम खुला खुला सा इसी तरीके के एरिया मेरे को अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा टाउन आ गया है और इस टाउन के अंदर एक तो यहाँ पे भी है पेट्रोल पंप है, ये मेरे को लग रहा है इनका स्कूल है छोटा सा, ये मेरे को लग रहा है मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पे, बस यही घर है जो आसपास में दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ से मेरे को 20 से 25 मिनट और ड्राइव करनी है, तो मैं अब आप लोगों को सीधा मिलता हूँ बॉम्बे बीच में। तो अभी यहाँ पे ना एक और बॉर्डर चेक पॉइंट आने वाला है, तो ऐसे ना इन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं। मेक्सिको का बॉर्डर है जो पास में पड़ता है ना, थैंक यू। तो इस चेक पॉइंट पे तो ऑफिसर ने कुछ भी नहीं पूछा, बस एक ही वर्ड बोला बाय योर सेल्फ, मैं बोला यस, तो कार ड्राइव केयरफुली और मैं वहां से निकलाया। तो अलग अलग चेक पॉइंट पे अलग अलग चीजें पूछते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा साइन लगाया हुआ है विजिट बॉम्बे बीच। तो पहुंच गया हूं मैं बॉम्बे बीच पे। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ना इसे बोलते हैं बॉम्बे बीच और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि आज से 100 साल पहले ना यहाँ पे डेजर्ट होता था, ना तो लोग रहते थे और ना ही यहाँ पे पानी था। तो एक बार है ना कोलोराडो जो रिवर है उधर लीक हो गया और वो वहाँ से यहाँ पे पानी आने लगा, और जब तक उन्होंने लीक को रोका 1.5 साल लगा उन्हें लीक रोकने में, तब तक यहाँ पे कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी लेक बन गई थी। यहाँ पर एक खूबसूरत सी लेक, बट इस लेक में से ना इतनी गंदी स्मेल आ रही है अभी, और ये जो लेक है ना बहुत ही टॉक्सिक है। 1960 में ना यहाँ पे बहुत सारे रिजोर्ट वगैरह बनाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा टाउन बना था और बहुत सारे यहाँ पे लोग आते थे, बट धीरे धीरे करके ये लेक है ना टॉक्सिक होने लगी। आसपास में जो नई फील्ड बनी थी ना उन्होंने अलग अलग तरीके के जो केमिकल्स यूज़ करते थे फील्ड में वो सब इस लेक में आने लगा, और इस लेक में कोई भी फ्रेश वाटर आने का सोर्स नहीं था, तो इस वजह से लेक इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई कि यहाँ से सब लोग छोड़ के जाने लगे। तो यहाँ पे एक टाउन है अबेंडेंट, तो अभी हम लोग चलेंगे और टाउन को हम लोग डिस्कवर करते हैं। गंदी स्मेल आ रही थी, मैं और वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे दिमाग में चढ़ने लग गई थी, बिल्कुल वोमिट हो जाता मुझे। और अभी मैंने नोट किया है वहाँ से मेन एरिया है जहाँ से हम लोग वैन और गाड़ी को नीचे ला सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये यहाँ से लोग नीचे कैसे ला रहे हैं, तो अभी चलते हैं वैन में और फिर वैन को मैं वहाँ से नीचे लाता हूँ। उस तरफ में काफ़ी सारी हैं चीज़ें देखने के लिए। पहले मैं सोचा था यहाँ पे कैंपिंग करूंगा, बट मैं यहाँ कैंपिंग नहीं कर रहा, अब मेरे को कहीं दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। कमाल है यार ये लोग, पता नहीं इतनी ज्यादा गंदी स्मेल के साथ कैसे यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो ये देखो यार टाउन की हालत देखो, टाउन है ना बिल्कुल अबेंडेंट हो चुका है। और एक टाइम होता था यहाँ पर है ना लोगों की भीड़ लगी रहती थी, यहाँ पे रिजोर्ट था, बहुत सारी वाटर एक्टिविटी होती थी। ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर से, अभी मैं देख रहा था आसपास में, हो सकता है ये किसी की प्रॉपर्टी हो और भैया बुरा मान जाए कि मैं उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जा रहा हूँ, पर पूरा टूटा फूटा पड़ा है, पूरा अबेंडेंट। तो ये देखो इसकी हालत कैसी हो रखी है, लोगों ने यहाँ पे स्प्रे पेंट ला के और जो भी लिख सकते हैं भैया वो लिखा हुआ है इन्होंने।
पे किसी ने डीवीडी रखी हुई है और इनके अंदर डीवीडी भी है। ये क्या भी है? शैडो पीपल। ये भूत की भी एक दो लगाई हुई है डराने के लिए। देख लो ये किसी का कारनामा। आप लोग सोचो कि आप रात को यहाँ पे एंटर किए हो और इसको देख रहे हो, आपको ये डीवीडी दिखेगी, आप लोगों की क्या हालत होगी कि यार ये डीवीडी यहाँ पे क्या कर रही है वॉल पे। तो ऐसा ही है, इस तरीके की जो लोकेशन होती है ना स्पेशली रात के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए अगर उस एरिया को आप जानते नहीं हो तो। और वो वहाँ पे है ना एक अबेंडेंट घर है, उधर चल के देखते हैं, पता नहीं एंटर कर सकते हैं नहीं कर सकते। चारों तरफ तो फिंस लगी हुई हैं। तो इस तरफ में भी बहुत सारे घर हैं जो अबेंडेंट हैं, बट उनके ऊपर है ना ग्रेफिटी वगैरह नहीं बनी हुई, तो ये थोड़ा सा कूल लगता है। मैं सोचा आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने के लिए, तो इसमें चलते हैं। यहाँ तो इन्होंने क्रिसमस का बनाया हुआ है और ये देखो चारों तरफ कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, यहाँ तक के जो ऊपर और फ्लोर पे भी हर जगह पे। अरे अभी कबूतर उड़ के गया है यहाँ से, मेरे को डरा दिया कबूतर ने। यहाँ पे लगी हुई है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, फिलहाल इन पे तो मैं नहीं जाने वाला, मैं तो ट्रस्ट नहीं करूँगा कि टूट जाएंगी। ये पता नहीं यहाँ पर क्या है, मैं कैमरा आगे करता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है भाई, खाली पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं कबूतर, ये बैठे हुए मेरे को देख रहे हैं। कबूतर भी कह रहे होंगे कि भाई कौन बंदा है ये जो इस प्लेस पे वॉक कर रहा है। यहाँ पे एक सोफा भी रखा हुआ है अगर आप लोगों को यहाँ पे आके रेस्ट करना है, और अगर पैसे वगैरह लेके आओगे तो भैया संदूक रखी हुई है, खाना यहाँ पे आराम से बना सकते हो, फ्री में आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे रह सकते हो। अब मैं फिलहाल ये पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी होगी, मैं निकल जाता हूँ बाहर। पे देखो किसी ने ना चिकन लगाया हुआ है, इस चिकन को दबाते तो आवाज़ आती है, देखते हैं आएगी या नहीं आएगी। हाँ भैया कर रहा है, ये देखो। तो ये लोग आते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके चले जाते हैं। तो पुराने ज़माने के सब टीवी रखे हुए हैं और उनको पेंट किया हुआ है इन्होंने। तो जब मैं छोटा था ना तो हमारे घर में पहले ये वाला टीवी आया था, 21 इंच का होता था वो टीवी। तो यहाँ पे जितने भी टीवी है ना ये सब ओरिजिनल टीवी हैं। ये देखो ग्लास की आवाज़ आ रही है, ऊपर प्लास्टिक। दूर से मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद किसी ऐसी बोर्ड वगैरह से बनाए हुए हैं, बट जितने भी यहाँ पे लगे हुए कंप्यूटर वगैरह भी हैं सब टीवी हैं, उनके ऊपर पेंट किया हुआ है इन्होंने। जिसने भी ये बनाया ना काफ़ी कूल आइडिया है, और सब कुछ उसे कलेक्ट करने पड़े, ये पुरानी टीवी कंप्यूटर पुराने वाले सब हैं यार, काफ़ी सही लगा है मेरे को। और यहाँ पर है इनकी चर्च, चर्च तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो पूरा टाउन है, पूरा टाउन डेड लग रहा है, बट इन्होंने थैंक गॉड के चर्च को बहुत साफ सुथरा बनाया हुआ है इन्होंने। सब अबेंडेंट पड़ा है यहाँ पे। ये आ गया है टाउन का एंड, यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट ऑफ फॉर द बॉम्बे बीच रिजॉर्ट। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये टाउन का एंड हो जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू बॉम्बे बीच। फिर इसके बाद तो चारों तरफ जो नज़ारा है वो खूबसूरत है, बल्कि ये टाउन तो मैं बोलूँगा कि ऐसा था कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है जैसा मैंने आप लोग को बताया। एक यहाँ पे मेरे को कूल सी चीज़ दिखी, मैंने सोचा कि यहाँ रुक के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो आप लोगों को एक बोर्ड दिख रहा है, मेरे ख्याल से इस पर भी यही लिखा होगा बॉम्बे बीच के बारे में, बट लोगों ने क्या किया है यहाँ पे अपने अलग अलग स्टिकर्स लगा दिए हैं। तो मैं भी अपने नाम के ना सेंटी ड्रीम्स नाम के स्टिकर्स बनवा लेता हूँ, तो जब भी इस तरीके के टाउन से निकलूंगा ना तो वहाँ पे मैं लगा दूंगा। अगर आप लोग कभी उस टाउन से निकलते हैं तो फोटो खींच के मुझे टैग कर देना इंस्टाग्राम पे, और मैं आप लोग की स्टोरी शेयर करूंगा। मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने एटलीस्ट मेरा स्टिकर देखा है। पहले मेरा प्लान था कि मैं आऊँगा कैलिफोर्निया, यहाँ से मैं जाऊँगा वॉशिंगटन स्टेट, और वॉशिंगटन स्टेट से मैं कैनेडा में एंटर करूँगा, और वहाँ से मैं जाऊँगा अलास्का। बट अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साल है ना बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है अलास्का में, और कनाडा की तरफ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नो हो रखी है जो बीसी एरिया है। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे ड्राइव करना, और मैं नहीं चाहता कि मैं सीधा ड्राइव करके जाऊँ और आप लोग को लोकेशन ना दिखाऊँ, क्योंकि ये भी मेरा ना फर्स्ट टाइम होगा कि मैं कनाडा के अंदर एंटर करूँगा, और मैं कनाडा को ना पूरा डिस्कवर करूँगा, हर जगह पे जाऊँगा कनाडा में। लोग वापस जाएंगे जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है, बाइक के सब कागज़ बन गए हैं, तो बाइक को अपनी बसंती के पीछे बांधेंगे और फिर हम लोग बाइक के साथ हम लोग ट्रैवल करेंगे। मेरा ना बाइक ले जाने का बहुत ज़्यादा मन है, स्पेशली कनाडा और अलास्का की तरफ में। वहाँ पे बहुत सारे रोड ऐसे हैं जहाँ पे मैं अपनी बसंती को नहीं ले जा सकता, तो मैंने सोचा कि बाइक के साथ ट्रैवल
ट्रैवल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।